हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीवन धारा पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2014 से कौशल विकास अभियान की शुरुआत की गई है और इस मिशन का उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में कौशल का विकास करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, जिससे बेरोजगार युवाओं को उनकी कौशल के बल पर औद्योगिक इकाइयों में रोजगार प्राप्त हो सके। और इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के इच्छुक जो युवा है, उद्योग लगाने से संबंधित ट्रेनिंग उन्हें प्रदान करना है, ताकि औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान किया जा सके। और इस योजना का क्रियान्वयन जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अधीन कार्यरत एजेंसी जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, तो NIC भी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NSIC, तो NSIC द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है। और यदि आप भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या अपने हुनर का विकास करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो NIC द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। कौशल विकास की ट्रेनिंग लेने के लिए जो भी इच्छुक युवा है, उन्हें जो है न्यूनतम हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा पास होना चाहिए और कौशल विकास ट्रेनिंग के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 18 वर्ष या उससे अधिक के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो कैंडिडेट्स हैं, वो इस योजना के तहत NSIC द्वारा चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। और कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण लेने से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक जो है ICO प्रमाणित कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्रों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जो है सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। और इस सर्टिफिकेट के आधार पर रोजगार आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र पर उपलब्ध विभिन्न उद्यमों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची में से आप अपनी पसंद के कार्यक्षेत्र का चयन करके प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। और प्रशिक्षण कार्यक्रम में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मशीनरी के प्रयोग एवं तकनीकी ज्ञान से संबंधित भी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इन केंद्रों में जो है विभिन्न उद्यम से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और उद्यम स्थापित करने से संबंधित दिशा निर्देश की जानकारी दी जाती है। और उद्यम से संबंधित आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं मशीनरी की जानकारी भी प्रदान की जाती है। उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने में भी NSIC यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अभ्यर्थियों की मदद की जाती है। और कौशल विकास प्रशिक्षण लेने के लिए जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, जो सामान्य वर्ग के युवा हैं, उन्हें 700 रुपये शुल्क देना होता है। इसमें आवेदन शुल्क और ट्रेनिंग के प्रशिक्षण से संबंधित जो शुल्क है वो सब शामिल है, तो 700 रुपये का शुल्क देना होता है सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को। और इसके अतिरिक्त जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं, उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं किया जाता, नहीं करना होता है। यानी जो है केवल सामान्य वर्ग के
अभ्यर्थियों के लिए ही 700 रुपए का शुल्क देना है और केवल जो है महिलाओं के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग की हों या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की हों, उनके लिए कोई फीस नहीं देना होता है। उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग लेने के लिए उनके लिए जो है निःशुल्क ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है NSIC द्वारा चलाए गए ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत। यदि ट्रेनिंग लेती है तो, और ट्रेनिंग कोर्स में जो है विभिन्न प्रकार के उद्यमों से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। मशीन का उपयोग करने से आप किस तरह से प्रयोग करेंगे, मशीन हैंडलिंग करने की और रॉ मटेरियल से संबंधित, और किस प्रकार से जो है उद्योग स्थापित करेंगे, कैसे लोन के लिए आवेदन करेंगे, लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और ये इनमें जो है लकड़ी के फर्नीचर बनाने की जो है उद्योग स्थापित करना, फुटवेयर से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, स्टील फर्नीचर, बेकरी उत्पादों से और कागज उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट स्थापित करने के लिए, धातु आधारित उद्योग, कृषि औजार, कटलरी और उपकरण, और लाइट इंजीनियरिंग नट बोल्ट क्रशर्स और कंप्यूटर कोडिंग की जानकारी, सभी प्रकार की जानकारी जो है इसमें से आप NIC के जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं उनमें जब आप ट्रेनिंग के लिए आवेदन करेंगे तो वहां से आपको लिस्ट प्रदान की जाएगी कि किस किस कितने किस किस विषयों में जो है ट्रेनिंग प्रदान की जाती है यहाँ पर, तो उसमें से आप अपने पसंद के क्षेत्र का चयन करके और उसमें ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण, और आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो NIC द्वारा जो है उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण में भी आपकी मदद करता है, बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने में भी, और कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जो है आप इस पते पर एड्रेस पर भी जो है संपर्क कर स्थापित कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये महाप्रबंधक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तकनीकी सेवा केंद्र ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 3 नई दिल्ली और पिन कोड इसका 110020 दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है ये फोन नंबर है, इन फोन नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं और फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर पर भी आप जो है संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और NSIC के ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है आप NSIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने ट्रेनिंग से संबंधित इंक्वायरी का फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको जो है उससे संबंधित मैसेज भेज के द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा और उसमें NSIC ऑफिशियल वेबसाइट लिख कर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये nsic.co.in इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो ये NSIC के ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आप यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज यहाँ से स्कीम पर जाएंगे तो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ ये देश में जो है NSIC के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सेंटर्स हैं वो दिल्ली में है और पंजाब में, यहाँ इस पर क्लिक करके आप एड्रेस देख सकते हैं, और पंजाब में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में है और पंजाब में राजपुरा में है इसके सेंटर, और दिल्ली में ओखला में है, और तेलंगाना में हैदराबाद में, और तमिलनाडु में चेन्नई में NSIC के स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, और वेस्ट बंगाल में हावड़ा में, और गुजरात में राजकोट में, और हरियाणा में फरीदाबाद में NSIC एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। तो उनका एड्रेस आप यहाँ से इस पर
क्लिक करके देख सकते हैं, एड्रेस आप यहाँ से पता करके और उस पर अपने संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये आपको ट्रेनिंग से संबंधित जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग लेना है उसके लिए आप यहाँ से फिल इंक्वायरी फॉर्म फिल करके भी अपने किस प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेनी है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए जो है एड्रेस यहाँ पर खुल रहा है दोस्तों, जब तक ये देखते हैं इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म में ट्रेनिंग इंक्वायरी फॉर्म ट्रेनिंग के लिए आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पहले अपना बेसिक डिटेल्स डालना होगा, नाम और फर्स्ट नेम यहाँ लिखना होगा, और यहाँ पे सरनेम यानी लास्ट नेम लिखना होगा, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होगा आपको। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो गुजरात में रहते हैं तो गुजरात सेलेक्ट कर सकते हैं, और हरियाणा सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना होगा आपको, तो किस सिटी में रहते हैं हरियाणा के, तो फरीदाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका सिटी होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, और जो स्टेट होगा वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और पिन कोड और यहाँ लैंडलाइन नंबर यदि है तो आप यहाँ पर लिखिए, वरना ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो एजुकेशनल डिटेल्स डालने होंगे, तो आपके जो या आपके क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो यदि आपको पास एक्सपीरियंस है तो यस पे करिए, वरना नो पर करिए। और यहाँ पर प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या वर्तमान में स्टूडेंट है या काम करते हैं या आपका स्वरोजगार है या अदर है, इनमें से कुछ नहीं है तो अदर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड यदि आप हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको किस स्ट्रीम में आपको ट्रेनिंग लेना है, लेना चाहते हैं डिज़ाइन में, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए लेना चाहते हैं, उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, या आईटी कंप्यूटर या मैकेनिकल या फिर मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स, तो किस क्षेत्र में आप ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना होगा, और फिर उस क्षेत्र से संबंधित किस प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। यदि डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन में यहाँ पर ट्रेनिंग कार्यक्रम उपलब्ध है, तो आप यहाँ से उसके अंतर्गत प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर लोकेशन फॉर प्रेफरेंस, तो यहाँ पर जब अपना सिटी और नेम डालेंगे तो यहाँ पर जो कौशल विकास के केंद्र होंगे उनके यहाँ पे सभी नाम आ जाएंगे, तो यहाँ पर उनमें से आप जो है केंद्र के नाम को सेलेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर ओखला दिल्ली का एड्रेस, तो दिल्ली कर सकते हैं। और सेलेक्ट प्रेफरेंस, तो जब यहाँ पर प्रेफरेंस इसलिए नहीं आ रहा है कि क्योंकि दिल्ली में केवल ओखला में ही है यहाँ पर कौशल विकास कार्यक्रम का केंद्र। और फिर जो है रेफर्ड बाय, कि आपको कैसे पता लगा इस केंद्र के विषय में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के विषय में, तो आपको यदि आप जो है कंपेन से पता लगा, न्यूज़पेपर से या किसी स्टाफ मेंबर से पता लगा है आपके ऑफिस के जहाँ आप कार्य करते हैं, या इंटरनेट से या वेबसाइट से, या तो आपको जिस भी माध्यम से पता लगा है इसके बारे में उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और सबमिट करके तो फॉर्म सबमिट कर देना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आपने इसमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखा है उस पर आपको जो है NSIC के द्वारा की तरफ से मैसेज भेजकर अवगत करवाया जाएगा कि आपको आगे की प्रक्रिया ट्रेनिंग लेने के लिए कैसे पूरी करनी है। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल जीवन धारा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं लेटेस्ट जैसे ही जो है हम अपने पोस्ट डालें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।